नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद वंचित दावेदारों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। रेवाड़ी शहर में भाजपा नेता केशव चौधरी ने घोषित कैंडिडेट लक्ष्मण सिंह यादव का विरोध किया। इस दौरान कार्यकर्ता कोसली ने दिया नकार। रेवाड़ी की जनता क्यों करे स्वीकार के बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि भाजपा ने रेवाड़ी से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव को नहीं बदला तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। यह जो रोष है, एक कोठली से निकम्मे और नकारा विधायक को अगर वो इसी ही लायक होता तो वो कोठली से रेवाड़ी की टिकट ना लाता। और उसके साथ साथ जिम्मेदार वो व्यक्ति भी हैं जो उनको टिकट दिलवा गए। मैं रेवाड़ी की जनता के सामने बात रखना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं, रेवाड़ी को सोमनाथ का मंदिर नहीं है। रेवाड़ी कोई द्रोपति नहीं है कि जो कोई भी आएगा और उसको लूट कर चला जाएगा। ये राजतंत्र है, राजतंत्र के ऊपर लोकतंत्र हमेशा भारी पड़ता है। तो अपनी ओर से मैं आपको दोबारा बता दूं, इस नकारा आदमी ने, कोसली से बिल्कुल नकारा आदमी, बिल्कुल अगर इसने यह काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी इसको वहीं से टिकट देती। क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं, कोसली और रेवाड़ी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 30 किलोमीटर का फासला है। लेकिन इसने यह सोचा कि रेवाड़ी की भोली भाली जनता को आकर मैं लूट लूंगा और यहां से लूट कर मैंने जो अपनी पहले भी जो जनता करती आई है अपना सब प्राप्त कर लूंगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि रेवाड़ी की जनता जागरूक है। अभी तो एक छोटे से ही बुलावे के ऊपर ये जनता यहां पर पहुंची है और हाईकमान को भी हमने सूचित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को हमने कहा है कि अभी आपके पास समय है, आप इस नकारा आदमी को कहीं और से टिकट दे दीजिए, लेकिन हम रेवाड़ी को बिल्कुल लूटने नहीं देंगे। रेवाड़ी को बिल्कुल बचाया जाएगा। रेवाड़ी को यह मर्जी नहीं है कि रेवाड़ी को कोई भी शख्स आएगा और उसको लूटता रहेगा 5 साल तक। क्यों आप देख रहे हैं, नगर परिषद का हाल भी आप देख रहे हैं। नगर परिषद को बढ़ाए हुए हमने चेयरमैन तो बड़ी शौक से बढ़ाई थी कि नगर परिषद रेवाड़ी की चेयरमैन भी हमारे रेवाड़ी में विकास करेगी। मैं कल सुन रहा था उनको, जो सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की यहां से टिकट लाए हैं वो इसी घंटेश्वर मंदिर के अंदर माथा टेक रहे थे और माथा टेकते उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले नगर परिषद का इलाज करूंगा। अरे नगर परिषद का इलाज तो आप 5 साल से यही तो रह रहे थे माननीय विधायक जी, आपकी तो कोठी भी तो सेक्टर 4 में है, आपने अब तक क्यों नहीं नगर परिषद का इलाज कर लिया। और आपको बता दो, वो यहां तो मंदिर में बात खड़ी होकर कह गए, जब वोट मांगने की बारी आएगी तो सबसे पहले उनके साथ तो नगर परिषद की चेयरमैन उनके साथ घूमेगी। लेकिन रेवाड़ी की जनता अब जागरूक हो चुकी है, बिल्कुल उसको लूटने नहीं दिया जाएगा। हाईकमान को हमने बता दिया है कि अभी आपके पास समय है 3 दिन का, आप इसकी टिकट वापस करा के सिर्फ ऐसे शख्स को टिकट दो जिसका सर्वे के अंदर नाम था, जो रेवाड़ी का विकास चाहता है, रेवाड़ी को जो संभालना चाहता है, उसमें चाहे कोई भी हो। हमारे सतीश यादव जी भी लगे हुए, हमारे रणधीर सिंह कापड़ीवास भी लगे हुए, हमारे सन्नी जी प्रसाद यादव भी लगे हुए, और भी कुछ काबिल लोग हैं। तो आपने एक नकारा आदमी को हमारे ऊपर जो डाला है, रेवाड़ी की जागरूक जनता उसको बिल्कुल सहन नहीं करेगी। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, और अगर खुदा ना खास्ता अगर पार्टी ने उम्मीदवार को नहीं बदला तो रेवाड़ी की जागरूक जनता ये तय कर चुकी है कि उसकी रेवाड़ी से जमानत जब्त कराकर भेजेंगे जमानत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।